हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर हम मोबाइल से लूडो गेम खेलकर और पैसे जीतकर हम किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं बिना पैसे लगाए हुए। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं और किस तरीके से आपको लूडो गेम खेलना है, किस तरीके से जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी वीडियोज को लाइक किया तो वीडियोज को लाइक कर दें। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर सिंपली क्लिक करके और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में आपको इसे ओपन करना है और अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो वेरीफाई है वो मेरे मोबाइल नंबर से हो गई है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर डाउनलोड करेंगे तो आपको यहां पर 10 से 15 रुपए मिल जाएंगे अगर आप यहां पर मेरी लिंक के द्वारा डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसकी दो एप्लीकेशनें हैं जो कि इसमें से एक फेक है और एक रियल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं जो अकाउंट बैलेंस है वो मेरा 14 रुपए है। उसके बाद में आप अर्न पर सिंपली क्लिक करेंगे। अर्न पर आप सिंपली क्लिक करते हैं तो अगर आप 10-15 दिन तक अगर आप इसमें खेलते हैं तो आपको इसमें बड़े बड़े आपको यहाँ पर स्पेम करने पर आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेम पर सिंपली क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर स्पेम सिंपली कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अब जितने भी यहाँ पर नंबर आएंगे, जैसे कि रिवार्ड्स के आएंगे तो रिवार्ड्स मिलेगा और कैश का आएगा तो यहाँ पर कैश मिलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप शुरुआत में करना है तो आपको बड़े बड़े यहाँ पर कैशबैक मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चलिए यहाँ पर बैक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रुपए हो चुके हैं 15, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर गेम खेलते हैं। अब जितने वाला भी आप यहाँ पर गेम खेलना चाहते हैं वो गेम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 12 रुपए वाला, ठीक है। हमने यहाँ पर 12 वाला सिलेक्ट कर लिया है और इसमें दो प्लेयर होंगे और उसी के साथ में एक को व्यक्ति को यहाँ पर प्राइज मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं जो कि हमें जान लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक यहाँ पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर गेम ही रुक जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फोन आ जाता है या फिर इंटरनेट हमारा काम नहीं करता है, तो आपको कुछ समय मिलता है जो कि आप इस वीडियोस में देखेंगे कि आखिर किस तरीके से आपको यहाँ पर समय मिलेगा, ठीक है, अगर मेरा इंटरनेट स्लो पड़ जाता है तब, ठीक है। तो चलिए हमारी चाल यहाँ पर चल चुकी है। तो हम यहाँ पर एक आई थी और हम यहाँ पर एक चल चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले के अगर अधिक आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से गेम को खेलना है, ठीक है। अब उसके कम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर अब आपके ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि मैं आपको ये गेम मेरा हैक हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि हैक आप किसी भी गेम को कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि गेम उसी हिसाब से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। आपने वीडियो वगैरह देख रहे हैं कि आखिर लूडो गेम को हम किस तरीके से हैक करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी चाल चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम इसे यहाँ पर रख देंगे ताकि पुट आए या फिर 6 आए तो हम उसी गोटी को यहाँ पर चल जाएं, ठीक है। देख सकते हैं उसके 3 छक्के आए थे और हमारा यहाँ पर ये आ गया, तो हम इसे यहाँ पर रख देंगे। अब हमारा 6 नंबर आए हैं तो हम इसे यहाँ पर चलेंगे और उसके बाद में इसे यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ पर चल जाएंगे। उसके बाद में हम इसे यहाँ पर बैठा देंगे और हम इसे चलेंगे यहाँ पर। हमें 2 गोटी को ले जाना है। अगर आपके सामने गोटी पड़ रही है तब ठीक है, अगर नहीं पड़ रही है तो आपको यहाँ पर पहली ही गोटी को यहाँ पर निकाल लेना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 5 से 5 कर देंगे इसे। अगर हमारे 6 अंक आते हैं तो अब हम ये वाली चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर काटने के चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। देख सकते हैं गोटी कट चुकी है। अगर हमारे 4 या 5 आ जाते हैं तब भी हम यहाँ पर जीत जाते हैं, क्योंकि इसके 2 आए थे तो अभी 2 आना मुश्किल है। हालांकि आ जाएं पर यहाँ पर ना आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये गोटी यहाँ पर चल चुका है आगे, तो हम इसी को चलेंगे। अभी उसमें से निकालेगा, छक्का हमारा आ चुका है, हम यहाँ पर ये चल चुके हैं, ठीक है। बस 4-5 और आ जाएं, बस हमारे यहाँ पर गोटी बैठ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गेम को जीत सकते हैं, ठीक है। मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसे पहली बात तो कलर में कर दूँगा, क्योंकि हमें कलर में गोटी हमारी चले जाएगी तो हमें चाल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, 3 अधिक आते हैं, ठीक है। अब वो 3-3 पे हो गई है हमारी गोटी, तो ये गलती मत करना आपकी, ठीक है, क्योंकि आप गोटी को हट्टा बचा के हमेशा चलना, ठीक है। तो चलिए हम इस वाली गोटी को ही यहाँ पर चलते हैं।
अब इसके अगर अंक ज़्यादा आ जाते हैं तो ये वही चलेगा, ठीक है, ये वाली। अगर इसका छक्का आ जाता है तब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो गोटी को आगे पीछे कर लेते हैं ये वाली के लिए, क्योंकि छक्का आ गया तो हम उसी गोटी को यहाँ पर निकाल देंगे। तीन से हमारी कलर हो चुकी है और हमें फिर चाल यहाँ पर मिल चुकी है। छक्के से हमने कहा था हम उस वाली गोटी को यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। इसका छक्का नहीं आया, लग रहा है मुझे इसका इस बार छक्का आ गया, बच गई, यहाँ छक्का नहीं आया। चलो और हम इसे यहाँ पर चलेंगे इस वाली गोटी इसके लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके हमें कलर की तरफ गोटी को लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी गोटी को यहाँ पर चल जाते हैं। अगर फुट आती है तब हमारे ये पांच आते हैं तब ठीक है, तो हम नहीं चलेंगे इस गोटी को क्योंकि हमारी दो से कटने लगेगी गोटी। वो छक्का से चल गया है, चलिए कोई बात नहीं है। ओह नो, चार से, चलिए हम इस वाली गोटी को यहाँ पर चल जाते हैं, छक्के से गोटी काटने को मिल जाएगी। क्योंकि हमारी जब तक पांच नहीं आएंगे तब तक तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पांच जैसी आएगा तो हम गोटी को यहाँ पर बैठा लेंगे अपनी के लिए, बस ठीक है। अब फुल तैयार दो आ जाए तो हम उस वाली गोटी को यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से। चलिए हम इस वाली गोटी को ही चलेंगे, छक्का आएगा तो हम उस वाली गोटी को वहाँ से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं है, हमारे अब आने वाले हैं चार या पांच या छह। चलिए एक बार हम और चल जाते हैं इसी के लिए। चलो हम इसी के लिए चल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमारा अगर अंक छः आ गए या पाँच आ गए तो हम इसे रख जाएंगे यहाँ पर। अब पाँच से हमारी कलर हो रही है, चार से बैठ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी को ही चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पाँच जल्दी आ सकते हैं, देख रहे थे कि कटर भी जा रही थी वो, ठीक है। अब वैसे भी हम जीत रहे हैं यहाँ पर, जीत चुके हैं, और वैसे भी ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्राइक भी ले लेते तब भी हम यहाँ पर जीत रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर कट करते हैं, कट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 रुपये यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में इसे विड्रॉल किस तरीके से करना है वो भी मैं चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे अभी बैक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर गेम को हम जीत के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जीतना तो आप सीख ही गए होंगे किस तरीके से जीतना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर वॉलेट पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन विनिंग मेरी 24 रुपये कुछ पैसे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर विड्रॉल करते हैं, तो यह है कि आप 25 रुपये से कम इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही 25 रुपये हो जाएंगे हम यहाँ पर विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 25 रुपये के लिए मैं यहाँ पर एक बार गेम के लिए और खेल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 6 रुपये वाला यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और मैं इसे स्किप कर देता हूँ। इसमें यह है कि आप फ्री में यहाँ पर गेम जीत सकते हैं, ठीक है, और जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे जो गेम हैं उनमें आपको पैसे ऐड करने पड़ते हैं और ठीक है, और उसके बाद में वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसमें पैसे ऐड नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पर तीन आए हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे हम फुट आई है हमारी। अगर आपके अंक ज़्यादा भी नहीं आ रहे हैं तब भी आप यहाँ पर जी सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे अंक आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर गोटी को सबको चालू कर देना है समझो, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर इसकी गोटी जो निकालने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर काटने के जो चांसेस हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। देख सकते हैं आधे आधे का अंतर है, इसने गोटी निकाल दी है, देख सकते हैं। अगर इसके चार नहीं आए, तीन आए, अगर मेरा छक्का आया है तब यहाँ पर कट जाएगी गोटी, देख सकते हैं। तो इसकी गोटी कट गई है, मैंने आपसे कहा कि आप गोटी को ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, ठीक है।
तो मैं इस वाली गोटी को यहाँ पर चलूँगा और जिससे हमने गोटी काटी है उस गोटी को हम जल्द से जल्द बिठाने की कोशिश करेंगे। पांच से हमारी गोटी काट रही है इसकी गोटी, इसके लिए पर इसने हटा दिया। ठीक है, देख सकते हैं सामने वाले के अंग ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पर हमने गोटी यहाँ पर काट दी थी तो इस वजह से हम यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, तो चलिए हम एक गोटी को यहाँ पर बिठा देते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, गोटी को हम इस वाली गोटी को बिठाएंगे। अब सबसे कम वाली जो गोटी होगी हम उसे यहाँ पर से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी जीत में ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, अब छः अंक आते हैं तो हम उस गोटी को यहाँ से निकालते, पर हमारे छः अंक नहीं आए हैं। तो चलिए हम इसी वाली गोटी को चलेंगे। हमारी दो गोटी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब दो गोटी का मतलब क्या होता है, अगर आपकी एक गोटी कट जाती है तो दूसरी गोटी आपकी पीछे होगी, वो निकाल लेंगे और आप अपनी गोटी को कलर में ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसे यहाँ पर चल देता हूँ, फुट पे ही रख देता हूँ। अब इसे भी चलना ही चलना है, तो हम पाँच से तो पाँच कर देते हैं। हमें यहाँ पर अपनी गोटी इसके आगे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसे रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो से अगर ये चलेगा भी गोटी तब भी नहीं कटेगी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसी गोटी को चलेंगे यहाँ पर। शाबाश, अब हम इस वाली गोटी को ही चलेंगे यहाँ। गोटी हमारी कट रही है, इसने काटी नहीं गोटी, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक हम इसमें से निकालते हैं अभी। इसकी पुट में आया है फिर से, तो अब इसने हमारी गोटी काट दी है, कोई बात नहीं है। चार पाँच से पुट से दो से कट रही है गोटी, नहीं है अभी। हाँ, पाँच से कट रही थी, दो से और पाँच से। ठीक है, अब इसकी दो दो पे आ गई हैं पूरी दोनों। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम इस गोटी को यहाँ से बैठाएंगे। ठीक है, दो से छक्के से कट रही है गोटी, अब इससे हम क्या करेंगे, चार से हम इस गोटी को यहाँ पर बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस गोटी को यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ओह नो, गोटी यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। तीन और तीन छः। ठीक है, हम इसे चलिए यहाँ पर चल देते हैं। इस गोटी को हम यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्टली बहुत जल्द ही। ठीक है, दो से क्या करेंगे, हम उस वाली गोटी को यहाँ पर बिठा देंगे। तो उसके बाद में हम इस वाली गोटी को यहाँ पर बिठाएंगे। और इसे हम कलर की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले तो ये काम करना है हमें, क्योंकि उसकी गोटी यहाँ पर कलर हो चुकी है। तो चलिए, अब तीन से हमारी गोटी है, सबसे पहली बात तो कलर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर हम इसे एक एक करके यहाँ पर गोटी को रखेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ये वाला भी गेम यहाँ पर जीत चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं चलिए आपको यहाँ पर विड्रॉल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। बिना वीडियो को कट किए हुए और किस तरीके से इसमें पैसे हमें जीतना है, किस तरीके से पैसे को निकालना है, वो आप इस वीडियो में सीख गए होंगे। ठीक है, जैसे कि 28 रुपये हैं, अब मैं यहाँ पर 2800 रुपये यानी कि 2800 निकालना चाहता हूँ तो मैं 2800 निकाल सकता हूँ, और कम निकालना चाहता हूँ तो कम निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये और भी कह रहे हैं कि अगर आप इसमें, अगर आप 28 जो रुपये हैं वो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं आपके पैसे। ठीक है, तो पर हम यहाँ पर निकालेंगे 28 रुपये। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है,
और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसमें ये ऐड करता हूँ तो 28 के मुझे यहाँ पर 30 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में जाएंगे 27.16 रुपये, ठीक है, क्योंकि 84 रुपये की यहाँ पर विड्रॉल फीस कटेगी, TDS यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम गेट इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं और जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी UPI ID है वो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ सेकंड यहाँ पर चल रहा है, और जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में पहुँचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।